Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Why on it Health. दोस्तों 40 की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों को मेटाबॉलिज्म दर धीमा हो जाता है। ऐसे में उन पर कई बीमारियों के होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर 40 साल की उम्र पार करने के बाद भी आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन फूड्स को रोजाना सेवन करके आप बढ़ती उम्र में भी खुद को हेल्दी और यंग रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, टमाटर को डाइट में करें शामिल। दोस्तों टमाटर अपने एंटी एजिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें लाइकोपिन नाम का एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है। ये आपको यंग और हेल्दी रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। टमाटर का सेवन आपके बॉडी में हो रहे कोलेजन के प्रोसेस को पूरी तरह से स्लो कर देता है और स्किन पर ग्लो बना रहता है। नंबर दो, मछली का सेवन जरूरी। दोस्तों लंबे समय तक यंग रहने के लिए मछली का सेवन भी बेहद जरूरी है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो शरीर की कोशिकाओं के साथ साथ सेहत को भी हेल्दी रखने का काम करते हैं। साथ ही इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन आपकी स्किन की बनावट को सुधार करता है और फेस पे फाइन लाइंस को कम कर देता है। नंबर तीन, नट्स को भी डाइट में करें शामिल। दोस्तों नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है। इनमें वो सभी विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको यंग रखने में आपकी हेल्प करते हैं। नंबर चार, बेरीज का सेवन जरूर करें। दोस्तों बेरीज में स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी में फ्लेवोनाइड जैसे कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर पाँच, दही ऐसे स्किन को रखती है हेल्दी। दोस्तों दही में विटामिन सी होता है जो एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। इससे सूजन में भी राहत मिलती है जिससे पिंपल जल्दी ठीक होने लगते हैं। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को गहराई से साफ करता है और चमकदार बनाता है। सनबर्न या पिगमेंटेशन के कारण मुरझाई स्किन पर दही लगाने से खोया हुआ निखार वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।